नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमसेट न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निधि झा। हाजिर हूं एक बार फिर टॉप 10 खबरों के साथ। नजर डालते हैं देश विदेश की मुख्य सुर्खियों पर। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश, कांग्रेस ने पूछा जनजाति महिलाओं को बिल से दूर क्यों रखा। ओवैसी बोले ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश। एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 11 लोगों की मौत, कटकर दूर जा गिरे हाथ पैर, रेस्क्यू में सेना की मदद ली जाएगी। केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और आप सांसद के घर छापा, पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंची ईडी, आतिशी बोली हर जांच में घोटाला। ज्ञान व्यापी के 2 और तहखाने खोलने की याचिका दायर, हिंदू पक्ष के पक्षकार राखी सिंह का दावा, एएसआई सर्वे कराने की भी मांग, आज सुनवाई। पंजाब सरकार आज आपके द्वार, सीएम मान बोले शहर गांव से गवर्नमेंट चलने का सपना पूरा, 5 मिनट में नव विवाहित जोड़े को मिला मैरिज सर्टिफिकेट। 2 दिन पहले पंजाब पुलिस डीएसपी बनी खिलाड़ी पर एफआईआर, युवती ने रेप केस दर्ज कराया। हिमाचल के हॉकी ओलंपियन वरुण जालंधर में रहते हैं। खन्ना में ऑस्ट्रेलियन एनआरआई की मौत, जागो पार्टी में गया था, दोस्तों ने बताया बहुत शराब पी, घर के बाहर नाले में गिर गया। लुधियाना में तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को रौंदा, 1 की मौत, 4 घायल, 2 कारों की रेस में एक ड्राइवर ने खोया संतुलन। पाकिस्तान नेवी ने 9 भारतीय नाविकों को रेस्क्यू किया, मेडिकल मदद, खाना पानी भी दिया। कराची के पास जहाज के जनरेटर में आई थी खराबी। सुनक के मंत्री पर इंफोसिस की मदद का आरोप, मंत्री बोले ब्रिटेन में कंपनी की तरक्की के लिए काम करेंगे, इंफोसिस में अक्षता भी हिस्सेदार। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें, मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ News India।